वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान। पुजारा और उमेश यादव भारतीय टेस्ट टीम से बाहर। वेस्ट इंडीज दौरे पर जायसवाल, गायकवाड़ और उमेश को मौका। वनडे टीम में सैमसन की वापसी। तो क्या पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगले महीने होने वाली दो टेस्ट मैच और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और तेज गेंदबाज उमेश यादव को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं मोहम्मद शमी को आराम दिया गया है। वहीं तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की वापसी हुई है। अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम की उपकप्तानी की जिम्मेदारी मिली है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 18 महीने बाद टीम इंडिया में रहाणे की वापसी हुई थी। रहाणे ने WTC फाइनल में 89 और 46 रनों की पारी खेली थी। वनडे टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की वापसी हुई है। उन्हें चोटिल के राहुल की जगह टीम में शामिल किया गया है। सैमसन अपना आखिरी वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर 2022 में खेले थे। वेस्ट इंडीज दौरे पर टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलेगी। टीम इंडिया पहले दो टेस्ट मैच खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 12 जुलाई और दूसरा 20 जुलाई से होगा। वनडे सीरीज 27 जुलाई से शुरू होगी। वहीं 5 मैचों की T20 सीरीज 3 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगी। आपको बता दें कि टेस्ट और वनडे टीम में कप्तानी रोहित शर्मा करते नजर आएंगे। तो दोस्तों, इन मैचों की छोटी बड़ी खबर और हाईलाइट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।